नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं 13 अप्रैल को मैंने जो आपको लेवल दिए थे निफ्टी ऑप्शन का और बैंक निफ्टी ऑप्शन का, उसमें उसने क्या किया और सोमवार को मार्केट को हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो पहले हम देख लेते हैं कि 13 तारीख को बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ था फ्रेंड्स 37,892 पे उसका ओपनिंग हुआ था। और मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 37,940 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 30,060। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि उसने ओपनिंग ही किया था 892 900 के पास ओपनिंग किया और उसका हाई मारा फर्स्ट के अंदर 37,988 उसने हाई मारा और पहले के अंदर का हाई उसने सेकंड के अंदर ने ब्रेक नहीं किया और लगातार वो वहाँ से डायरेक्टली सीधा नीचे आ गया। और मैंने डाउन साइड में आपको लेवल लिया था 37,650 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 37,500 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 37,350। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि उसने लो मारा है 37,400 के करीब उसने लो मारा है। तो आइए देखते हैं कि सोमवार को बैंक निफ्टी क्या करेगी। 4 दिन का हमारा हॉलीडे सेशन था, गुरुवार शुक्रवार सैटरडे और संडे को। अब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो उसके क्या मायने रहेंगे मार्केट वो हम चेक करते हैं। इससे पहले मैं ये लेवल निकाल लेता हूँ हम जो ग्रो करते हैं फ्लैट जोन और 15 मिनट की चार्ट लगा लेता हूँ मैं, उसमें कुछ एनालिसिस करेंगे हम कि सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है। तो एक काम करेंगे, पहले हम फ्लैट जोन ही ग्रो करेंगे फ्रेंड्स। उसका क्लोजिंग हुआ है 37,460 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है 460 पे क्लोजिंग हुआ है उसका 380 डाउन की साइड में 384 ओके। अब साइड में ये लेवल ले लेता हूँ मैं 37,550। अगर बैंक निफ्टी ने सोमवार को 37,387 या 380 के ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है फ्रेंड्स 37,300 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 37,100 के करीब। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स 37,560 ब्रेक करेगा तो अपसाइड में उसका पहला टारगेट आ सकता है 15 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं तो 37,650 जो मैंने पहला आपको टारगेट दिया था, और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है फ्रेंड्स 37,800। और अगर बैंक निफ्टी मंडे को ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो मैं प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे और उसके बाद हमें ट्रेड करना पड़ेगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे लेवल। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। आइए देखते हैं निफ्टी ने क्या किया था 13 अप्रैल को। तो 5 मिनट की चार्ट में निफ्टी को मैं देख लेता हूँ कि उसका ओपनिंग हुआ था फ्रेंड्स 17,600 पे उसका ओपनिंग हुआ था, जो मैंने आपको लेवल लिया था कि 17,600 क्रॉस करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 17,690। देखिए उसने हाई मारा उस दिन 17,660 के करीब उसने हाई मारा और वहाँ एक शूटिंग स्टार के अंदर बनी ये वाली और वहाँ से लगातार वो नीचे आया और डाउन की साइड में हमारा ये लेवल 17,490 ब्रेक किया फ्रेंड्स। कितने बजे ब्रेक किया उसने? करीबन 12:10 के ब्रेक किया और उसने डाउन मारा 17,450 के करीब उसने डाउन मारा, यानी डाउन की साइड में भी लेवल ने हमारा टारगेट अचीव नहीं किया और अपसाइड में उसने भी टारगेट अचीव नहीं किया। तो आइए देखते हैं सोमवार को निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए मैं 15 मिनट के चार्ट लगा लेता हूँ फ्रेंड्स ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी। और 15 मिनट के चार्ट में हम 9 ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे। पहले उसका क्लोजिंग हुआ है 17,450 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। अगर डाउन साइड में 17,440 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 17,340 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स उसका 17,270 ये वाला 270-280। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर निफ्टी ने 17,520 निकालेगा अपसाइड में
अगर अपसाइड में निफ्टी ने 17,520 निकाला तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आ सकता है फ्रेंड्स 17,600 और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है फ्रेंड्स 17,650 ये वाला। फ्रेंड्स ये हो गया निफ्टी। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।